मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज अपन है हैदराबाद के अंदर और अभी अपन जा रहे हैं चार मीनार और वहाँ की फेमस चीज़ें जो सब एक्सप्लोर करने लिए अपन हैदराबादी बिरयानी, चार मीनार। और अभी हमारे साथ है सोएब और यूसुफ भाई, हम यहाँ से गाड़ी पार्क करके अभी जाएंगे बस से चार मीनार तक गाइस। तो अभी देखते हैं बस का वेट करते हैं यहाँ से। आज आपको हैदराबाद के अंदर की सब पूरी फेमस जगह एक्सप्लोर करने लगे, आप ऐसे बने रहिए हमारे साथ, अभी बस का वेट करते हैं गाइस। अभी अपन यहाँ से चार मीनार के लिए रिक्शा कर लिया है, जो कि 150 रुपये में अपने को चार मीनार तक छोड़ेंगे भाई। अभी रिक्शा में बैठ चुके हैं अभी अपन। और यहाँ से आगे का जो रास्ता है अपने को पैदल तय करना है, क्योंकि इसके आगे कोई थ्री व्हीलर फोर व्हीलर नहीं जाती। यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगा चुके हैं और आपको जो सामने नज़र आ रहा गाइस वो चार मीनार है। मैंने कभी ख्वाबों में सोचा था चार मीनार जाऊँगा, जो कि मैं रील्स पे देखा करता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं हैदराबाद के अंदर आ चुका और आँखों के सामने चार मीनार देख रहा हूँ। और जो सो गाइस मैं आपको कुछ चार मीनार के बारे में बातें बताता हूँ। जैसे कि चार मीनार बनाया था 1591 में, जो कुतुब शाही के पांचवे वंशज हैं उन्होंने बनाया था 1591। जैसे कि 432 साल हो चुके हैं गाइस इस चार मीनार को बन के। तो अभी तो चलिए पहले तो चार मीनार के ऊपर जाते हैं और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चार मीनार के इन्फॉर्मेशन दूँ, जो मुझे भी अभी तक पता नहीं थी चार मीनार के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। और इसके सेकंड फ्लोर पर पहले मस्जिद हुआ करती थी गाइस, जो कि नमाज़ पढ़ने के लिए। और अभी जो है वो मस्जिद बंद हो चुकी है। और उसके बाजू में जो है तो यहाँ की, और हमें जो टिकट लगा गाइस पर पर्सन 20 रुपये टिकट था। कैमरा अगर है तो कैमरे का अलग से टिकट, तो कैमरे का मैंने नहीं लिया, मोबाइल ही लिया। और आप देखिए कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है चार मीनार। और इसके जो बड़े बड़े पिलर है इसी के अंदर से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए रास्ता है। और आज दशहरा है तो देखिए लोग भी कितने बड़े तादाद में आए यार, बहुत ज़्यादा क्लाउड है। और ये देख सकते गाइस अंदर से कुछ चार मीनार इस तरीके का नज़र आ रहा है। और अभी अपन इसके सेकंड फ्लोर पर जाएंगे गाइस, देखिए चलिए अभी अंदर चलते हैं सेकंड फ्लोर पर, फिर वहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। ऊपर से कुछ इस तरीके का नजर आता है गाइस। चलिए अभी चलते हैं ऊपर। और गाइस देखिए कितना छोटा रास्ता है, जो एक क्लियर है उसके अंदर से बना है चार मीनार के ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो ये एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट है गाइस। चलिए अभी ऊपर जाते हैं सेकंड फ्लोर पे और एक्सप्लोर करते हैं चार मीनार। तो गाइज आपको ये जो सामने फ्लोर नज़र आ रहा है ये पहले मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पे लोग इबादत करते थे। सो गाइज आप जो सामने नज़र आ रही है ये मक्का मस्जिद है, जो कि बादशाह ने बनाई थी 1693 में। और इस एक साथ 10,000 लोग इसमें नमाज पढ़ सकते हैं। लेंथ की अगर बात करेंगे तो 67 मीटर है और वेल्थ है 54 मीटर। हाइट की अगर बात करेंगे तो 23 मीटर इसकी हाइट है। और इसको बनाने के लिए 8,000 मज़दूरों ने काम किया था गाइज। जैसे कि चार मीनार का निर्माण गाइज 1591 में हुआ था, कुतुब शाही सल्तनत के पाँचवें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जी ने बनवाया था, जो कि 432 साल पुराना, 432 साल इसको हो चुके हैं गाइस। और अगर इसके हाइट की अगर बात करेंगे गाइस तो ये 184 फीट इसकी हाइट है और चार मीनार है। अगर इसकी एक मीनार की हाइट की अगर बात करेंगे तो 160 फीट इस मीनार की हाइट है। और इसमें जो मटेरियल यूज़ किया था गाइस वो ग्रेनाइट और मार्बल कुछ इस तरीके से मटेरियल इसमें यूज़ किया गया था गाइस। और आप सोच सकते हैं 432 साल पुराना है। और मैं आपको इसके बाजू में के जो बाज़ार है वो बाज़ार दिखाता हूँ। जैसे कि आपको ये सामने जो नज़र आ रहा है ये मक्का मस्जिद के सामने का बाज़ार है, जो कि बहुत ही चीपेस्ट रेट है, चीपेस्ट मार्केट है गाइस चार मीनार के बाजू में की। और यहाँ पर आपको कपड़े, शूज़ और जो कि उस ज़माने में लॉर्ड बाज़ार बोल के कहा जाता था, जो कि अमीरों का बाज़ार बोल के फेमस था गाइस। तो ये अमीरों का बाज़ार था उस समय का। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं चार मीनार के नीचे और आपको नीचे से दिखा दे चार मीनार के तरीके। देखिए कितनी लाइन है, रसमल साहब लाइन में रुके होगा, इतनी बड़ी लाइन है नीचे उतरने के लिए। आने के लिए भी उतनी कर दी और जाने के लिए भी उतनी कर दी गाइस। इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है लेकिन ये बंद करके रखे, सेकंड फ्लोर पे नहीं जाने देते अभी विजिटर को, फर्स्ट फ्लोर ही ओपन है। और अभी अपन जा रहे हैं रिटर्न, चलिए
सो फाइनली गाइज हमने चार मिनार पूरा आपको दिखा दिया, जितने इन्फॉर्मेशन थी आपको पूरी बता दी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आएंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।